हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। राजस्थान के इतिहास और संस्कृति में चैप्टर नंबर 10 में आज हम पढ़ने वाले हैं बीकानेर जिले के अंतर्गत आने वाले पर्यटन स्थल। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं उनको देखना है आपको, बार बार उनको रिवाइज करना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो आपके यहीं से आते हैं और बाद में चैप्टर कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन आंसर सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देशनोक करणी माता मंदिर कहां पर है? बीकानेर में। तो इसको भी आप बहुत अच्छे से ध्यान से पहले पढ़ भी चुके हैं और याद भी कर चुके हैं। चलिए फिर भी पर्यटन स्थल में देखते हैं हम, कुछ भी अगर हमें नई लाइन मिलती है तो उसको भी हम याद करने की कोशिश करेंगे। दुनिया भर में चूहों के लिए अपनी पहचान बनाने वाला यह मंदिर बीकानेर से 30 किलोमीटर दूरी पर देशनोक गाँव में है। यह पर्यटकों में टेम्पल ऑफ रेट्स के नाम से मशहूर है। रेट यानी कि चूहा। एक किंवदंति के अनुसार करणी माता के सौतेले बेटे लक्ष्मण की एक तालाब में डूबने से मृत्यु हो गई। करणी माता ने यमराज से उन्हें जीवित करने के लिए प्रार्थना की। यमराज ने मना कर दिया, फिर इस शर्त पर मान गए कि उस दिन के बाद से लक्ष्मण तथा करणी माता के सभी वंशज चूहे के रूप में जिंदा रहेंगे। तो माना जाता है कि लक्ष्मण और करणी माता के सभी वंशज जो हैं वो क्या हैं, यहाँ पर चूहे हैं। हजारों चूहों को पवित्र मानकर मंदिर में भक्त लड्डू व दूध की बड़ी परातें चढ़ाते हैं जिन्हें चूहे खाते पीते हैं। गर्भगृह में करणी माता की मूर्ति भी स्थापित है। करणी माता का मंदिर का द्वार सफेद संगमरमर से बनी एक सुंदर संरचना है। दूर दूर से पर्यटक इस मंदिर को देखने आते हैं। नए दूल्हा दुल्हन यहाँ माता का आशीर्वाद लेने आते हैं। तो यह चीज हमें पता है कि करणी माता का मंदिर कहाँ है, देशनोक बीकानेर में है। चूहा के मंदिर के रूप में यह बहुत विख्यात है और जो स्टोरी जो है, कहानी जो है, जो कि लोगों के द्वारा सुनाई जाती है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा जिससे आपको ये चीजें याद हो सकें कि ये कहानी जो है वो किस पर आधारित है और आपको एग्जाम टाइम में याद आ जाएगा कि किसकी बात चल रही है, देशनोक करणी माता के मंदिर की, जो कहाँ है, बीकानेर में है। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य अभिलेखागार। शिक्षाविद एवं शोधकर्ताओं का यहाँ जमावड़ा रहता है। यहाँ संरक्षित प्राचीन प्रशासनिक रिकॉर्ड जो कि मुगल काल के समय के भी हैं, जिनमें अरबी फारसी के फरमान निशान हस्तलिखित ग्रंथ भी शामिल हैं, इस अभिलेखागार में संरक्षित और सुरक्षित रखे हैं। राजस्थान के लगभग सभी रियासतों के शासनकाल के दौरान किए गए कार्य, जारी किए गए आदेशों के रिकॉर्ड यहाँ मिल सकते हैं। बीकानेर का यह अभिलेखागार अत्यंत असाधारण तथा महत्वपूर्ण है। तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है? बीकानेर में है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है ये, एग्जाम में आने वाली, पूछा जा सकता है राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ है, बीकानेर में है। जूनागढ़ का किला, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो बार किला है, गढ़ का अर्थ भी किला ही होता है और किला तो यहाँ लिखा हुआ है, तो ये कह सकते हैं हम जूनागढ़। इस किले को कभी कोई शत्रु नहीं जीत पाया। सन 1588 में सम्राट अकबर के सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित सूबेदार राजा राय सिंह द्वारा बनाया गया यह किला पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा है। तो जूनागढ़ जो है वह किसने बनवाया? बीकानेर के राय सिंह ने। इसमें बने लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर के शानदार महल, प्रांगण, बालकनियां, छतरी नुमा मंडप तथा खिड़कियां अपनी अद्भुत कला को दर्शाती हैं। लालगढ़ पैलेस और म्यूजियम। महाराजा गंगा सिंह ने 1902 में इस भव्य राजमहल का निर्माण अपने स्वर्गीय पिता महाराजा लाल सिंह की स्मृति में करवाया था। इसके वास्तुशिल्प की रूपरेखा की अवधारणा एक अंग्रेज वास्तुविद सर स्विंटन जैकब द्वारा की गई। यह महल पूरी तरह से लाल बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया है तथा राजपुताना इस्लामी तथा यूरोपीय वास्तुकला के मिश्रण से इसे मूर्त रूप प्रदान किया गया। वर्तमान में इस पैलेस को हेरिटेज होटल में परिवर्तित कर दिया गया है। किसे? लालगढ़ पैलेस को। कुछ हिस्सा बीकानेर के राज परिवार के निवास के रूप में भी है। इसी पैलेस के एक हिस्से में श्री शार्दुल म्यूजियम भी है। तो लालगढ़ का जो पैलेस है, एक तरफ पैलेस है जहां पर जो राज परिवार है वो रह सकते हैं और दूसरी तरफ क्या है, म्यूजियम है।
किसने बनवाया? महाराजा गंगा सिंह ने अपने स्वर्गीय पिता महाराजा लाल सिंह की याद में बनवाया। कोलायत हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। कोलायत जहां हर साल दूर दूर से श्रद्धालु मंदिर में दर्शन को आते हैं। कोलायत क्या है? एक पवित्र झील है जो बीकानेर से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां का इतिहास, सांख्य योग के प्रणेता कौन है? कपिल मुनि, इनकी कहानी सुनाता है, जो इस जगह के शांतिपूर्ण वातावरण से इतने अभिभूत हो गए थे कि उन्होंने अपनी उत्तर पश्चिम की यात्रा के बीच में रोक दिया और संसार के चक्र से मुक्ति पाने के लिए यहाँ पर क्या करने लगे? तपस्या करने लगे। तो तपस्या की जो स्थल है कपिल मुनि का, वो कहाँ है? कोलायत बीकानेर में। यहाँ स्थित मंदिर, घाट, पवित्र झील भक्तों को क्या करते हैं? आमंत्रित करते हैं। तो काफी संख्या में श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर आते हैं। कतरिया सर कहाँ है? बीकानेर में। जयपुर रोड पर इस गांव का ग्रामीण और सांस्कृतिक जीवन बड़ा समृद्ध है। कतरियासर में बालू, रेत के टीले और उन पर ढलती शाम के सूरज की रोशनी देखकर लगता है कि पूरी धरती पर सोना बिखरा पड़ा है। यहां पर्यटक भारी संख्या में आते हैं और रेत के धोरों पर जसनाथ जी का अग्नि नृत्य देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। यहाँ पर रेगिस्तानी लोमड़ी, खरगोश, चिंकारा, मोर, तीतर, बटेर और चकोर के झुंड दिखाई देते हैं। बीकानेर से 45 किलोमीटर की दूरी पर कतरियासर एक साफ सुथरा समृद्ध गांव है। तो कतरियासर बीकानेर, जहाँ जसनाती संप्रदाय के लोग जो हैं वो क्या करते हैं? अग्नि नृत्य करते हैं, तो जिसको देखने के लिए काफी संख्या में पर्यटक जो है वो यहाँ पर जुटते हैं। राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र, एशिया का अपनी तरह का एकमात्र केंद्र जहां ऊंटों का रख रखाव, उन पर अनुसंधान और प्रजनन संबंधी कार्य संपन्न होते हैं। शहर से 8 किलोमीटर दूर यह केंद्र 2000 एकड़ से अधिक भूमि पर बना है तथा इसका संचालन जो है भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो ऊंटों का रख रखाव के लिए अनुसंधान प्रजनन संबंधी कार्य जो है वो किए जाते हैं राष्ट्रीय उष्ट्र यानी कि ऊंट अनुसंधान केंद्र। कहां पर है? बीकानेर में। नेक्स्ट देखिए राजसमंद। राजसमंद में बिल्कुल आपको याद होगा कुंभलगढ़ का किला है। महाराणा प्रताप, यहां पर इनका जन्म हुआ था, कुंभा द्वारा बनवाया गया था। मेवाड़ के सशक्त, सबल और प्रसिद्ध योद्धा राणा प्रताप की जन्मस्थली उदयपुर से उत्तर की तरफ लगभग 84 किलोमीटर दूरी पर जंगल के बीच मेवाड़ क्षेत्र में चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण किला कौन सा है? कुंभलगढ़ का किला। राणा कुंभा द्वारा 15वीं शताब्दी में बनवाया गया यह किला अरावली की पहाड़ियों की गोद में बसा है। मेवाड़ को शत्रुओं से बचाने और सुरक्षित रखने में इस किले की मुख्य भूमिका रही है। जब बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर चित्तौड़ किले पर कब्जा कर लिया था तो मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह को उनके बाल्यकाल में इसी किले में पन्ना मिली थी। तो पन्नाधाय जो थी वो उदा को यानी उदय सिंह को यहाँ लेकर आई थी कुंभलगढ़ में। यहीं पर इनकी क्या हुई थी? रक्षा हो पाई थी क्योंकि जो बनवीर था वो उदय सिंह को मारना चाहता था। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली होने के कारण लोगों की भावनाएं इस किले से जुड़ी हैं। कुंभलगढ़ का किला अति सुंदर विहंगम दृश्य प्रस्तुत करता है। किले की दीवारें इतनी मजबूत, इतनी चौड़ी कि 8 घुड़सवार एक साथ उस पर चल सकते हैं। लगभग 36 किलोमीटर की क्षेत्र में ये फैली हुई है। 19वीं शताब्दी में महाराणा फतेह सिंह द्वारा इस किले का नवीनीकरण किया गया था। तो देखिए महाराणा कुंभा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, महाराणा फतेह सिंह द्वारा इसका क्या किया गया? नवीनीकरण करवाया गया। नेक्स्ट है राजसमंद झील। विश्व युद्ध के दौरान राजसमंद झील को लगभग 6 वर्षों तक इंपीरियल एयरवेज द्वारा समुद्री विमान आधार के रूप में उपयोग में लिया जाता था। किसको? राजसमंद झील को। राजसमंद झील को राजस्थान में सबसे पुराने राहत कार्यों में से एक माना जाता है। इस कार्य के लिए उस समय लगभग 40 लाख रुपए खर्च किए गए थे। तो उस समय के 40 लाख जो है बहुत ज्यादा अमाउंट था। इस झील की परिधि जो है वो 22.5 स्क्वायर किलोमीटर, गहराई 30 फीट तथा जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 524 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में है। इतनी लंबी चौड़ी परिधि में फैली होने के बावजूद यह माना जाता है कि यह झील भीषण तथा व्यापक रूप से फैले सूखे के समय सूख जाया करती है। जैसे कि सन 2000 में सूखा पड़ा था
तो सूखा पड़ने के कारण यह विशाल घाटी की सूखी सतह और दरारों भरे कीचड़ के समान भी बन गई थी। तो याद रखना है राजसमंद झील जो है राजसमंद में ही है, ठीक है। हल्दी घाटी, यह स्थान मेवाड़ के महाराणा प्रताप और अकबर के बीच इस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। हल्दी घाटी का युद्ध आपने सुना है, पढ़ा भी है। उदयपुर से कितना दूर है? 40 किलोमीटर की दूरी पर है। इस घाटी की मिट्टी हल्दी के रंग जैसी पीली है, तो इसीलिए इसका क्या नाम पड़ा? हल्दी घाटी। हल्दी घाटी अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। सन 1576 में इस हुए युद्ध में महाराणा प्रताप के गौरव और शौर्य को दर्शाने वाली हल्दी घाटी में उनके प्रिय घोड़े चेतक की समाधि भी स्थित है। नेक्स्ट पढ़ेंगे सवाई माधोपुर। रणथंभौर किला, यह किला रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के अंदर है। कौन सा किला? रणथंभौर का। तो रणथंभौर का किला राष्ट्रीय उद्यान है। किले के तीन तरफ पहाड़ों की प्राकृतिक खाई बनी हुई है जो इसे मजबूत और अजय बनाती है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण जो है वो चौहान राजा रणथंबन देव द्वारा किया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट लाइन है, आप नोट करिएगा। रणथंभौर किले का निर्माण जो है वो है रणथंभन देव द्वारा किया गया था, जो कौन थे? चौहान राजा थे। खानवा युद्ध में घायल राणा सांगा को भी इलाज के लिए इसी दुर्ग में लाया गया था। रणथंभौर का यह उल्लेखनीय किला चौहान शासकों द्वारा 10वीं से 11वीं शताब्दी में बनवाया गया था। एक आदर्श सामरिक स्थान होने के कारण यह दुश्मन को खाड़ी में रोके रखने के लिए उपयुक्त है। मुस्लिम आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले की घेराबंदी की थी, तब ये किला राजघराने की महिलाओं के जौहर की ऐतिहासिक घटना का साक्षी बना। किले की विशेषता यहाँ के मंदिर, जलाशय, विशाल द्वार और सुदृढ़ प्राचीर में दिखाई पड़ती है। तो बिल्कुल इस किले के बारे में जो ऐतिहासिक घटना है हम लोग पढ़ चुके हैं, अलाउद्दीन खिलजी के समय जब उन्होंने रणथंभौर पर आक्रमण किया था हमीरदेव चौहान के समय। तो सवाई माधोपुर में रणथंभौर किला जो है पर्यटकों की दृष्टि से काफी लोकप्रिय है। नेक्स्ट देखिए सिरोही। सिरोही में गुरु शिखर, अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर की चोटी है। आध्यात्मिक कारणों तथा साथ ही 1722 मीटर समुद्र तल से ऊपर गुरु शिखर से माउंट आबू का विहंगम दृश्य देखने को, प्रकृति की छटा को निहारने के लिए गुरु शिखर की यात्रा अनुपम है। गुरु शिखर पर चढ़ने से पहले भगवान दत्तात्रेय का मंदिर दिखाई देता है, जिसके लिए माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने ऋषि आत्रेय और उनकी पत्नी अनुसुईया को दत्तात्रेय के रूप में एक पुत्र प्रदान किया था। वैष्णव समुदाय के लिए यह तीर्थ स्थल है। तो देखिए गुरु का शिखर कहाँ है? अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर क्या है? गुरु शिखर की चोटी। कहाँ पर है? सिरोही में है। 1722 मीटर जो है समुद्र तल से ऊपर तक है, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट देखिए दिलवाड़ा जैन मंदिर। ये पूरे विश्व में माउंट आबू के जैन मंदिर की तीर्थ यात्रा महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो माउंट आबू जाते हैं तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर जो है वो जाना न भूलें। बाहर से साधारण सा दिखने वाला यह मंदिर भीतर पहुंचने पर पर्यटकों को अद्वितीय वास्तुशिल्प और इसमें की गई पत्थरों का शानदार नक्काशी से अचंभित कर देता है। इसकी आंतरिक सज्जा में कलाकारों की बेहतरीन कारीगरी दिखाई पड़ती है। इस मंदिर को 12वीं से 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इसकी छतों, मेहराबों और खंभों पर की गई कारीगरी को देखकर पर्यटक ठगे से रह जाते हैं। दिलवाड़ा के मंदिरों की अपरिभाषित सुंदरता और मंदिर के आसपास का हरियाली से भरपूर शांत वातावरण लाजवाब है। नेक्स्ट देखिए नक्की झील। माउंट आबू के मध्य में स्थित नक्की झील भारत की पहली मानव निर्मित झील है, ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है। ज्योग्राफी के दृष्टि से भी अगर देखें तो इंपॉर्टेंट लाइन है कि नक्की झील जो है वो भारत की पहली मानव निर्मित झील है। कहाँ है? माउंट आबू के मध्य में। लगभग 80 फुट गहरी और 1/4 मील चौड़ी इस झील को देखे बिना माउंट आबू की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। कई किंवदंतियों में से एक किंवदंति यह है कि इस झील को देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर बनाया था, तो इसीलिए इसका क्या नाम पड़ा? नक्की झील। इसी नक्की झील के पास
सन 1948 में स्वर्गीय महात्मा गांधी की अस्थियों का कुछ अंश भी प्रवाहित किया गया था, जिसके बाद गांधी घाट का निर्माण किया गया। प्रकृति प्रेमी और फोटोग्राफर के लिए झील का साफ सुथरा नीला पानी, हरी भरी वादियां, चारों तरफ की प्राकृतिक छटा रूमानी कल्पित अद्भुत अंश स्वप्निल और तृप्त करने वाले हैं तथा इस आकर्षण भरे स्थल को देखने को बाध्य करते हैं। टोंक बीसलपुर बांध कहाँ पर है? टोंक में। राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर के लिए जीवन दायिनी के रूप में पहचान बनाने वाला बीसलपुर बांध एक गुरुत्व बांध है जो कि बनास नदी पर निर्मित किया गया है। यह राजस्थान के टोंक जिले के देवली कस्बे के पास है। इस बांध का निर्माण सन 1999 में पूरा किया गया था। तभी से यह बांध राज्य के कई क्षेत्रों को पानी सप्लाई करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। तो इसमें क्या याद रखोगे आप कि बीसलपुर बांध जो है वो बनास नदी पर निर्मित किया गया है और कहाँ है यह? टोंक जिले में। सुनहरी कोठी। टोंक का मुख्य आकर्षण 19वीं सदी की सुनहरी कोठी या गोल्डन मेंशन है जो नजर बाग रोड पर बड़ा कुआ के पास है। इमारत अपने बाहरी स्वरूप से साधारण लगती है, लेकिन इसके आंतरिक भाग की बहुरंगी स्वर्ण रंगों को शाही झलक इनके नाम से मेल खाती है। शीश महल या सुनहरी कोठी का शीशे से शोभायमान कमरा मीनाकारी कार्य के सर्वोत्कृष्ट नमूने के साथ अद्भुत ग्लास और फूलों के अलंकरण की कारीगरी मंत्रमुग्ध करते हैं। 7 मार्च 1996 को राजस्थान सरकार द्वारा सुनहरी कोठी को एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया गया था। ठीक है, तो इतने पूरे पैराग्राफ में बस इतना ही याद रखिएगा। टोंक का आकर्षण सुनहरी कोठी है और 7 मार्च 1996 को इसे ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया गया। डिग्गी कल्याण जी मंदिर 5600 वर्षों पूर्व का सबसे पुराना पूजनीय हिंदू मंदिर में से एक डिग्गी कल्याण जी का मंदिर है। भगवान विष्णु के अवतार श्री कल्याण जी को माना जाता है। तो देखिए ये चीज जो है वो रीट के एग्जाम में पूछी जा सकती है और वो क्या है कि भगवान विष्णु के अवतार में के रूप में किसे माना जाता है। तो ऑप्शन आएगा यदि कि कल्याण जी को, तो याद रखिएगा डिग्गी कल्याण जी को भगवान विष्णु के अवतार के रूप में माना जाता है। पूरे देश से लोग यहाँ अपने दुखों से मुक्ति और देवता के आशीर्वाद के लिए आते हैं। प्राचीन काल की शिल्प कौशल की गवाही देता यह मंदिर टोंक से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। मंदिर का भव्य शिखर 16 स्तंभों पर आधारित है। चलिए तो इतना ही याद रखिएगा, डिग्गी कल्याण जी मंदिर जो है भगवान विष्णु के अवतार के रूप में कहां पूजे जाते हैं? टोंक जिले में। नेक्स्ट है श्री गंगानगर, जिसे क्या कहते हैं? राजस्थान का अन्न भंडार। बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा। इस गुरुद्वारे का निर्माण 1954 ईस्वी में बाबा फतेह सिंह की देखरेख में हुआ था। यहाँ हर माह की अमावस्या को मेला लगता है। कहा जाता है कि जत्थेदार बुड्ढा सिंह की प्रेरणा से अधर्मी मस्सा रंग का सर काटकर इस गुरुद्वारे में लाया गया था। इसी कारण इस गुरुद्वारे को बुड्ढा जोहड़ा कहते हैं। नेक्स्ट देखिए हिंदू मलकोट सीमा। गंगानगर में स्थित हिंदू मलकोट सीमा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। बीकानेर के दीवान हिंदू मल के सम्मान में नामित और सीमा के पास स्थित यह पर्यटक आकर्षणों में से एक है। सीमा श्री गंगानगर से 25 किलोमीटर दूर स्थित है और यह प्रतिदिन प्रातः 10 से 5:30 बजे के बीच पर्यटकों के लिए खुली रहती है। तो क्या है? भारत और पाकिस्तान को अलग करती है हिंदू मलकोट सीमा। ठीक है, नेक्स्ट है उदयपुर। ये तो सभी जानते हैं झीलों की नगरी है। ये क्वेश्चन बनता है झीलों की नगरी राजस्थान में किसे कहा जाता है? उदयपुर जिला को। पिछोला झील। पिछोला झील का सौंदर्य ढलती शाम के समय सूर्य की लालिमा में सोने की तरह दमकता है। पिछोला झील पिछोली गांव के कारण झील को क्या कहा गया? पिछोला। जग निवास और जग मंदिर द्वीप इस झील में स्थित है। झील के पूर्वी किनारे पर सिटी पैलेस है। सूर्यास्त होने पर झील में नाव की सवारी, झील और सिटी पैलेस का मनमोहक दृश्य जो है वो पर्यटकों को आकर्षित करता है। उसके बाद है फतेह सागर झील। पिछोला के उत्तर में ही पहाड़ों और वन संपदा के किनारे स्थित यह रमणीय झील एक नहर द्वारा पिछोला झील से जुड़ी एक कृत्रिम झील है।
झील के मध्य सुंदर नेहरू गार्डन के साथ साथ एक द्वीप पर उदयपुर की सौर वैधशाला भी है। इसे पहले कनॉट बांध भी कहा जाता था, क्योंकि इसका उद्घाटन जो है वह ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा किया गया था। किसका? पिछोला झील के उत्तर में जो फतेह सागर झील है, इसको थोड़ा सा दोबारा से पढ़ते हैं। फतेह सागर झील के अंदर पिछोला के उत्तर में पहाड़ों और वन संपदा के किनारे स्थित यह रमणीय झील एक नहर द्वारा पिछोला झील से जुड़ी एक कृत्रिम झील है। ठीक है, तो नहर द्वारा जुड़ी है यह झील के मध्य सुंदर नेहरू गार्डन के साथ साथ एक द्वीप पर उदयपुर की सौर वैधशाला भी है। तो यहाँ पर एक सौर वैधशाला भी है जिसे कनॉट बांध कहा जाता था, क्योंकि इसका उद्घाटन जो है वो किसने किया था? ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है सहेलियों की बाड़ी। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जो महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा महिलाओं के लिए एक बगीचे के रूप में निर्मित किया गया था। नाम से ही पता चल रहा है कि ये महिलाओं के लिए बगीचा है, महिलाओं के लिए सहेलियों की बाड़ी। एक छोटे से संग्रहालय के साथ इसमें संगमरमर के हाथी, फब्बारे, मंडप और कमल कुंड जैसे कई आकर्षण है। नेक्स्ट देखिए भारतीय लोक कला मंडल। चैप्टर के बिल्कुल अंत में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन दी गई है कि भारतीय लोक कला मंडल कहाँ स्थित है। तो ये एक सांस्कृतिक संस्थान है जो कि उदयपुर में स्थित है। तो आप इसको यहीं पर याद कर लें, भारतीय लोक कला मंडल कहाँ स्थित है? उदयपुर में। जो राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की संस्कृति, लोक त्योहारों, लोक कला और लोकगीत के लिए समर्पित है। लोक संस्कृति के प्रचार के अलावा यह एक संग्रहालय भी है जो राजस्थानी संस्कृति के विभिन्न स्वरूपों पर लोक कलाकृतियों का प्रदर्शन करता है। नेक्स्ट है नागदा। छठी शताब्दी के अंश को समाहित किए नागदा उदयपुर में 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अरावली की पहाड़ियों की गोद में बसा नागदा जटिल नक्काशीदार सहस्रबाहु मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जो कि आम लोगों में सास बहु मंदिर के नाम से भी पहचाना जाता है। तो बोलते बोलते इसका नाम जो है वह सास बहु से सहस्रबाहु पड़ गया। नवी दसवीं शताब्दी में निर्मित किए गए इस मंदिर का वास्तुशिल्प अतुलनीय है, जो इसका तोरण द्वार अद्भुत बनाया जाता है। तो नागदा कहाँ है? उदयपुर में है। यहाँ का नागदा के अंदर सहस्रबाहु मंदिर जो है वो काफी लोकप्रिय है। तो आज हमने कंप्लीट कर लिया ये चैप्टर, काफी बड़ा था ये चैप्टर। इसके बाद आपका लास्ट चैप्टर बचेगा और आपकी 10th क्लास का राजस्थान का इतिहास और संस्कृति समाप्त हो जाएगी। तो अब यहाँ पर अभ्यास प्रश्न जो है इनको देखिए और इनके जो आंसर हैं वो कौन देगा? आप देंगे। बहुचयनात्मक प्रश्न, मेयो कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1874 में, 75 में, 76 में या 77 में? इन प्रश्नों को आपको बिल्कुल सॉल्व करना है। यहाँ से प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? देखिए ये क्वेश्चन जो आया हुआ भी है, भरतपुर में, धौलपुर में, बूंदी में या सवाई माधोपुर में? तो आप लोगों को बताना है, वीडियो पॉज करके पीछे जाके देखना है जहां पर हमने भरतपुर जिला को पढ़ा, वहां पर देखिएगा केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो इन सबके आंसर आपको ही देने हैं। किस गण के लिए कर्नल जेम्स टॉड कहते हैं कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गण को चुनेंगे? तो काफी सुंदर वो किला है जिसके लिए कर्नल जेम्स टॉड ने ये लाइनें कही हैं। तो वो कौन सा किला है? भैसरौंगढ़ का किला, भैसरौंगढ़ का किला, चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़ या तारागढ़? हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? प्रताप सिंह, जय सिंह, मान सिंह या ईश्वरी सिंह? तो देखिए काफी आपके लिए सरल हो गए हैं, कितनी बार आप इन सब चीजों को पढ़ चुके हैं, एक भी लाइन ऐसी नहीं है जो आपने पहले नहीं पढ़ी है। श्रद्धानाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? सीकर, नागौर, चुरू या अलवर में? तो आप लोगों को ये बताना है। तो चलिए इस तरीके से हमने चैप्टर कंप्लीट किया, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।